उपचुनाव का संदेश 2024 में फिर जनादेश। दर्शकों को बता दें कि आजमगढ़ दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी की जीत और आसिम रजा हार गए। रामपुर में घनश्याम लोधी बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। दोनों जगह बीजेपी का कमल खिला। इसलिए आप जीत गए रविंद्रनाथ शर्मा, तीनों पार्टियों पिछली बार उनका गठबंधन था इसलिए वो जीत गए थे। इस बार हमारा गठबंधन नहीं था, सब अलग लड़ रहे थे। बीजेपी अलग लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी, सपा अलग लड़ रही थी। तो ऐसे में जो हमारे आजमगढ़ की जनता है उसने विकास को चुना है और उम्मीद में कमर खिलाया। एक सवाल और कि अपने माता जी से आशीर्वाद लेकर के माता जी कुछ कह रही थी आपसे? हाँ, माता जी कह रही थी कि जीत के वहाँ जनता का सेवा करिया, वहाँ से बढ़िया माँ। हाँ, तो मैं बोला नहीं नहीं मैं सेवा करूंगा। मेरी माँ कहीं भी जाता हूँ तो आशीर्वाद लेता हूँ तो उनके मंत्र लेके ही चलता हूँ, वही मंत्र देती है कि करना क्या। तो आज भी उन्होंने वही कहा कि जीत के वहाँ सेवा करिया, वहाँ से भगिया मत। नहीं, सेवा तो करिया, आजमगढ़ में आप हैं और सेवा करे के बाटे, लेकिन आगे के अब जनता के का कहे के बा आजमगढ़ के जनता के? बस ये कहे के चाह कि आप लोग भरोसा कहले बानी, कमर खिलेले बानी आजमगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी आपके निराश ना होके दे। और आज तक जो आजमगढ़ में ना भइल, अब वो आजमगढ़ में हो ही कहे कि पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी और पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों ने वादा किया है कि आजमगढ़ को चमकाएंगे। रामपुर भी जीत लिए हैं आप, आजम खान का गढ़ कहा जाता था, आपने आजम गढ़ जीता और उधर आजम खान के गढ़ में भी आपने जीत हासिल की। ये सिर्फ एक चीज का संकेत है पूरे देश को कि यहाँ गुंडों का, दबंगों का, माफियाओं का राज नहीं चाहिए, यहाँ बुलडोजर बाबा चाहिए जो इन पर बुलडोजर चला सके और सुशासन ला सके और जनता जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी सके। ये साफ संकेत दिया है रामपुर ने और आजमगढ़ ने। तो बिल्कुल ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनका साफ तौर पे कहना कि ये संकेत है बुलडोजर बाबा के जीत का, ये संकेत है कि जनता विकास चाहती है, गुंडों माफियाओं की सत्ता नहीं चाहती है। लिहाजा आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एक जीत हासिल करके 2024 से पहले बड़ा मैसेज दिया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ पवन सिंह सेगर, जी मीडिया, आजमगढ़।